हेलो माय लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू न्यू एरा कलेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि उस टाइम पे जो मैंने आपको इंडिपेंडेंस डे सेल की वीडियो अपलोड करी थी, तो काफ़ी लोगों ने कहा था कि कंफ्यूजिंग हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वो जितने भी डिज़ाइंस थे ना, वो सारे मैं आप लोगों को ऑलरेडी पहले दिखा चुकी हूँ। इसी वजह से मैंने बस आप लोगों को रिमाइंड करवाने के लिए ऐसे वीडियो बनाई थी, क्योंकि मेरे पास पीसेस बहुत ज़्यादा थे और मैं सबको ओपन करके नहीं दिखा सकती थी, तो इस वजह से मैंने ऐसे करा था। इसीलिए मैंने कल की सेल की वीडियो भी एक्सटेंड, जो टाइम था हमारे कल का, जो क्योंकि सिर्फ परसों थी, तो मैंने कल भी एक्सटेंड कर दी थी। लेकिन आप लोगों से काफ़ी आप लोगों से भी रिस्पांस मिला। और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि एक्चुअली मेरा फ़ोन जो है वो चेंज हुआ है, तो काफ़ी सारे नंबर्स जो है वो मिस हो गए हैं, मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग, आप अगर इनकेस आपको स्टेटस विजिबल नहीं हो रहा है, आपको अपडेट नहीं मिल रही है, आपको लिंक्स नहीं मिल रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अपना नेम एंड प्लेस मुझे लिख के एक बार मैसेज कर दीजिएगा, जिससे कि मैं आप लोगों का नंबर सेव कर लूँ फॉर फर्दर अपडेट्स एंड लिंक्स। ठीक है, तो फिर आप लोग प्लीज़ मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, और आज जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो हमारा स्टिच्ड डिज़ाइंस हैं, कुछ हमारे बुटीक के अपने खुद के स्टिच्ड पीसेस हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए आज लेकर आई हूँ। ये भी डिज़ाइंस आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, हम लोगों ने सेम मॉडल पिक्चर की जैसा आप लोगों के लिए इसको तैयार करा है, तो मैं आप लोगों को वही दिखाने वाली हूँ आज। फर्स्ट जो हम लोग अपना स्टार्ट करने वाले हैं, अच्छा देखिए, इन सब के आपको जो प्राइसेस हैं, ओनली 4 डिज़ाइंस मैं आपको आज दिखाऊंगी, तो इन सब के जो प्राइसेस हैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप लोग प्लीज़ डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा। बाकी सब मेजरमेंट वगैरह सब चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँगी। तो अब जो फर्स्ट हमारा डिज़ाइन है वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, हमारा फ्रॉक स्टाइल में है। ये मैंने आपको नहीं दिखाया है अभी तक वीडियो में, वो इस वजह से क्योंकि इसमें सारी कलियाँ वगैरह आई थी, सारे जो मटेरियल था वो सारा जो था मतलब पूरा अनस्टिच था, तो वो अलग अलग था, तो हम लोगों ने आप लोगों के लिए अब फुल आपको स्टिच करवा दिया है। तो अब ये देख लीजिए, इसका पूरा गेटअप आप लोग अब अच्छे से देख पाएंगे। ये हमारी येलो शेड में ये फ्रॉक स्टाइल में आपका मिलेगा। इसका जो मटेरियल है मैं बताऊँ आपको, इसमें लॉन कॉटन मटेरियल दिया हुआ है, और इसमें सारी जितना भी आप देख रहे हो सारी एम्ब्रॉयडरी हो रही है। ठीक है, फुल कम्प्लीटली एम्ब्रॉयडरी है, कली वाली पूरी फ्रॉक है ये। ठीक है, और बाकी ये इसकी हो गई स्लीव्स, ये देख लीजिए स्लीव्स भी मैं आपको बता देती हूँ इसकी। अब मैं आपको सारा मेजरमेंट बता देती हूँ हैंड टू हैंड, क्योंकि मैं इसमें देखिए आज की वीडियो में मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूँगी कि आपको जल्दी दिखा दूँ, आप लोग कहेंगे आप बातें बहुत कर रही हैं, आप बता बहुत रही हैं, और मैं आपको यहीं पर सारी बातें क्लियर करती हुई चलूँगी। ठीक है, इसका तो देखिए चेस्ट साइज़ जो है वो 18 है, एक तरफ का 18 है, तो 18+18 आप देख लीजिएगा राउंड में कितना आ रहा है। ठीक है, तो एक साइड का बस मैं आप लोगों को मेजर करके बता रही हूँ 18 है। ये जो हमारा कमर का साइज़ हो जाएगा ये हमारा है 18, ये भी 18 है, क्योंकि देखिए ये वाला यहाँ पे थोड़ा सा लाइक 18 से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ का जो साइज़ है वो प्रॉपर 18 है। ठीक है, और बाकी का ये तो है, ये तो घेरे में आ जाएगा सारा, तो इसका घेरा काफ़ी ज़्यादा है ये देखिए, और आगे से ओपन वाली है इसमें, देखिए आगे से ओपन है। अगर इनकेस ये है कि आप लोग कोई वो है मतलब, क्योंकि ज़्यादा ओपन नहीं है, वो मैंने देख लिया है, हम लोग ऑलरेडी इसको पूरा ट्राई करके देखते हैं तब हम लोग आप लोगों को दिखाते हैं, तो इतना ज़्यादा ओपन नहीं है, बस आगे से ओपन वाला मॉडल पिक्चर में डिज़ाइन था, तो इसलिए आप लोगों के लिए वो बनवाया है। मैं आपको इसकी लेंथ बता देती हूँ, हम लेंथ कितनी है देखिए, स्टिच्ड वाली जितने भी वीडियोस आएंगी वो ऐसी डिटेल्ड ही वीडियोस आएंगी, कोई मैं उसमें इतनी भागा दौड़ी नहीं करूँगी कि आपको बहुत जल्दी जल्दी बस करके दिखा दूँ। ठीक है, सारी की सारी अब डिटेल वीडियोस ही आएंगी। और इसके देखिए जो लेंथ है वो 42 है। ठीक है, 42 लेंथ आ रही है इसकी, प्रॉपर लेंथ है इसमें, कोई भी ऐसा नहीं कि लेंथ में प्रॉब्लम हो, कमी हो, क्योंकि आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि इसकी बता दीजिए स्टिच में थोड़ा प्रॉब्लम रहती है कि कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा पता नहीं, तो इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ जो इसकी स्लीव्स की जो लेंथ है वो है हमारी 20.5। ठीक है, 20.5 स्लीव्स की लेंथ है, स्लीव्स की जो लेंथ है वो 20.5 है, और जो मोहरी का जो साइज़ है जो है वो है हमारा 7। देखिए 7 से बस लाइक थोड़ा सा ही कम है, 6.5 आप मान सकते हो। ठीक है, तो 6.5 है, तो प्रॉपर लाइक एक स्टैंडर्ड साइज़ है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर इनकेस आपको अल्टर करवाना है, आपको थोड़ा सा बड़ा करवाना है, आपको कम करवाना है, तो आप वो करवा सकते हैं, ऑल्ट्रेशन एकदम फ्री है, आप लोग अपना साइज़ भेजें, जो भी आपको करवाना है वो उससे ठीक, और हम उसको बिल्कुल एग्जैक्ट आपके साइज़ में करके उसको भेज देंगे। और ये है इसका ट्राउज़र, ये चेक करें आप कितना खूबसूरत इसका ट्राउज़र लग रहा है। ये देखिए ट्राउज़र जो है इसका आगे बेल्ट एंड पीछे इलास्टिक वाला है, फुल आपको मैं लेंथ बता देती हूँ ट्राउज़र की, क्योंकि देखिए स्टैंडर्ड लेंथ हम लोगों ने सारे साइज़ जो है स्टैंडर्ड साइज़ ही लिया है, तो उसमें साइज़ में कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आएगी कभी भी, और अल्टर आपको करवाना है तो आप करवा सकते हैं।
और अपना भी आप ये कहें कि नहीं हमें हमारा पूरा आप कस्टमाइज स्टिच कर दीजिए, वो भी हो जाएगा। ठीक है, 37 लेंथ है ट्राउज़र की, 37 है, ठीक है। और जो इसका जो वेस्ट साइज़ है वो है 15। अब मैं सारी बातें आपको यहीं पे इसलिए बता रही हूँ जैसे कि आप कन्फ्यूजन ना हो, आप लोग बाबा मुझे मैसेज करोगे, मेरे पास इतना मुझे याद नहीं रहता तो इस वजह से मैं उस टाइम पर बता नहीं पाती हूँ। ठीक है, तो इसका जो वेस्ट का साइज़ आया है वो है 15। ठीक है, और इसमें मैं आपको बता दूँ ट्राउज़र में हम लोगों ने डिज़ाइनिंग डलवाई बिल्कुल जैसे मॉडल पिक्चर में थी। ये देखें, आपको यहाँ पे पूरे बीड्स वीड्स लगा के फुल रेडी आपको डिज़ाइनिंग मिल रही है, आपकी साइड में आ जाएगा ऐसे करके, बहुत प्यारा लगने वाला है। और इसका दुपट्टा मैं आपको दिखा दूँ, दुपट्टा पूरा कम्प्लीटली एम्ब्रॉयडर्ड है। आपको किसी को ये गिफ्ट करना हो, आपको अपने लिए चाहिए, बहुत ही प्यारा ये ड्रेस लग रहा है। इसकी ओपन पिक्चर्स मैं अपने स्टेटस पे शेयर कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। और ये फुल नेट एम्ब्रॉयडर्ड इसका दुपट्टा है, ये देखें कितना खूबसूरत ये दुपट्टा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है एकदम। और अभी ये टासल्स लगे नहीं हैं, जो ये टासल्स दिए हैं ये देख लीजिए, ये वाले जो टासल्स हैं ये इसके चारों साइड्स पर लगेंगे, तब आपको ये रिसीव होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट डिज़ाइन स्टिच्ड वाले कलेक्शन से। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ हमारा सेकंड डिज़ाइन। सेकंड डिज़ाइन हमारा ग्रीन कलर में है, ये डबल शेड में है, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारा ग्रीन में है। इसका फैब्रिक भी लॉन कॉटन है, सॉफ्ट कॉटन जो हमारी होती है जिसे हम कॉटन लोन भी कहते हैं, वो फैब्रिक है इसका। और पूरा आपको सेल्फ एम्ब्रॉयडरी के साथ मिल रहा है, गले पे आप ये देखें इसमें थोड़ा सा हमने डिज़ाइनिंग करवाई है और गला प्रॉपर पैच के तौर पे लगाया गया है। ठीक है, ये देख लीजिए काफ़ी खूबसूरत ही लग रहा है करीब से। और इसका शेड मैं आपको पूरा इस तरह दिखाती हूँ, डबल शेड में ये डिज़ाइन आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। और ये हो गई है इसकी स्लीव्स, आप ही देखें स्लीव्स पे कितना खूबसूरत ये पैच पैच लग के काफ़ी खूबसूरत ये लुक आ रहा है एकदम प्रिटी। तो और इसके जो बैक साइड है वो भी बिल्कुल इसी के जैसा ही है, ग्रीन शेड में। ठीक है, तो ये हो गया है। और अब मैं आपको उसकी सारी मेजरमेंट वगैरह बता देती हूँ जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को परचेज़ करते के टाइम ना आए। इसका जो चेस्ट साइज़ है वो 21 है, ठीक है, और जो कमर साइज़ है इसका वो है 20, और जो हिप साइज़ है इसका वो है आपका 22। ठीक है, और आपको बड़ा करवाना है, आपको छोटा करवाना है, वो हम आपको बता देंगे। आपको ऑल्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, आप लोग अपने साइज़ में इसको ऑल्टर करवा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए कुछ भी आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। और अगर इनकेस कोई ऑल्टर हो रहा है ड्रेस या फिर कुछ भी है तो उसमें एक दिन का टाइम हम लोग आप लोगों से लेंगे, एक दिन के बाद आप लोगों का डिस्पैच होगा। जो इसकी लेंथ है, इसकी जो लेंथ आ रही है वो है 44। ठीक है, 44 लेंथ है इसकी, 44। और बाकी सब चीज़ मैंने आपको इसकी बता दी है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और आपको अच्छा लगे तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ये इसका वाइट कलर में इसका बॉटम है, आप देखिए, अगर इनकेस आपको ये है कि वाइट नहीं है, वाइट जो है एम्ब्रॉयडरी से मैचिंग का है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। सेम है वही, आगे से बेल्ट है, पीछे से इलास्टिक है, और ये हमारे नीचे डिज़ाइनिंग है इसमें, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत ये लग रहा है। डिज़ाइनिंग के बाद ये और प्रिटी लगने लगा है, ये देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इसका जो ये दुपट्टा है ये नेट फैब्रिक पर है, ग्रीन शेड में आपको दुपट्टा दिया है, चारों तरफ आपको ये एम्ब्रॉयडरी मिलेगी इसमें, ये देख लीजिए पूरे फोर साइड्स पे आपको एम्ब्रॉयडरी मिलेगी। ओ ये उल्टा है, ठीक है। और ये हो गया इसके एज अ पैच के फॉर्म पे, ये इसके चारों पल्लू पे लगा हुआ है, चारों कॉर्नर्स जो हैं इसके दुपट्टे के उन पे लगा हुआ है। ये हो गया इसका नेट फैब्रिक में दुपट्टा, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड डिज़ाइन हो गया स्टिच्ड कलेक्शन से। और देखिए ट्राउज़र की लेंथ सेम है, वही सेम है जो मैंने आपको पहले बताई है, सब कुछ सेम है उसका, क्योंकि ट्राउज़र एक ही नाप के हम लोगों ने करवाए हैं, स्टैंडर्ड साइज़ हमने लेने की कोशिश करी है। और अब जो मैं आपको डिज़ाइन दिखा रही हूँ वो हमारा डार्क मस्टर्ड शेड में है, ठीक है, डार्क मस्टर्ड शेड है, ये देख लीजिए। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये तो बहुत ही प्रिटी लग रहा है, एकदम खूबसूरत सा कलर कॉम्बिनेशन है इसका, ये आप चेक करें। इसका फैब्रिक भी जो मैंने आपको बताया है अभी लॉन कॉटन है, वही है। और मैं इसमें आपको बताऊँ, ये देखें लॉन कॉटन इसका मटेरियल है, ठीक है, और इसमें ना शिफली वर्क हो रहा है थोड़ा सा, आपको चिकन वर्क इसमें मिलेगा, लेकिन वो हम लोगों ने इसमें अस्तर ऐड करवा के फुल आपका बिल्कुल रेडी करके दिया है। इसमें आपको कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगी कि अंदर का विजिबल हो रहा है या कुछ है, फुल आपको लाइनिंग के साथ ही फ्रंट साइड में आपको इसमें लाइनिंग मिल रही है, ठीक है। तो ये देख लीजिए पूरा कितना खूबसूरत लग रहा है ये, फुल इस चीज़ का हम लोगों ने ध्यान रखा है पूरा आप लोगों के लिए। यहाँ पे आप लोगों के लिए गोटा भी इसमें, देखिए नेक लाइन पे गोटा एडेड है, ये आपकी लटकन्स हो गए, कितनी प्यारी लग रही हैं ये।
बीड्स वीड्स लग के बहुत प्यारा लग रहा है ये। और ये इसकी स्लीव्स हो गई हैं, ठीक है। और ये पूरा मैं आपको नीचे तक अब दिखा देती हूँ, ये फुल नीचे तक आपको एम्ब्रॉयडरी के साथ मिलेगा। काफ़ी खूबसूरत ये डिज़ाइन लग रहा है। आपको किसी की हल्दी मेहंदी ऐसे फंक्शन के लिए लेना हो तो उसके हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट पीस रहेगा। अब मैं आपको उसका सारा मेजरमेंट बता देती हूँ। इसमें लार्ज हम लोगों ने साइज़ करवाया है तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम ऐसे साइज़ के रिगार्डिंग नहीं आएगी। ये देखिए इसका 22 जो है वो चेस्ट मेजरमेंट है और जो कमर का मेजरमेंट है वो 21 है। जो हिप का मेजरमेंट है वो आपका है 23 से थोड़ा सा ही, बस ज़रा सा कम है 23 से, ठीक है। और लेंथ इसकी फुल है, स्टैंडर्ड लेंथ है, लाइक 44 या 45 ही इसकी लेंथ होगी, पूरी है। और ये है इसका बॉटम, बॉटम देख लें, डार्क मस्टर्ड शेड में इसका है। ट्राउज़र है इसमें सेम, आगे बेल्ट है, पीछे इलास्टिक है। ये फुल आपको ट्राउज़र मिलेगा और नीचे इसमें गोटा लगा हुआ है, बिल्कुल नेक लाइन से मैचिंग का इसमें आपको गोटा प्रोवाइडेड है। और इसका भी जो दुपट्टा है वो नेट फैब्रिक पर है, ठीक है। नेट फैब्रिक पे सारी एम्ब्रॉयडरी हो रही है, ये भी आप चेक करें कितना डिसेंट ये दुपट्टा लग रहा है इसका। नेट इसकी मैं आपको बता दूं, आपको ये हो रहा है कि नेट खड़ी खड़ी रहती है, हम लोग ले नहीं पाएंगे, कर नहीं पाएंगे, तो इसकी नेट फैब्रिक देखें कितना सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट है। और ये लेस लगी हुई है इस पर, पल्लुओं पर आपको लेस एडेड है। और ये चेक करें, पूरा फुल आपको रेडी एकदम पीस मिल रहा है। ये देख लीजिए, ये हो गया हमारा डार्क मस्टर्ड शेड में डिज़ाइन, ठीक है। और लटकन सबसे प्यारी चीज़ जो उसकी है ना, वो ये लटकन है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और अब जो मैं आपको लास्ट डिज़ाइन दिखाने वाली हूँ वो है हमारा डार्क ग्रीन में। ये आप लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा, मैंने मारिया भी एम्ब्रॉयडर्ड की वीडियो में ये अपलोड किया था और आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। ये मेरे पास स्टिच्ड में एक अवेलेबल है, एंड आपको अगर ये अनस्टिच्ड पीस चाहिए तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है, आपको अनस्टिच्ड भी मिल जाएगा, ठीक है। ये देख लें आप, ये हमारे पास डिज़ाइन है डार्क ग्रीन शेड में और ये हमारे पास आई थिंक मीडियम साइज़ में है। आपको लार्ज स्टिच करवाना होगा तो लार्ज भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लेकिन हमारे पास जो अवेलेबल है आई थिंक मीडियम साइज़ में है। 18 इसका जो है वो चेस्ट वो साइज़ है, 18 है, ठीक है, 18 आ रहा है। मैं एक साइड का आपको मेजर करके बताती हूँ, फुल राउंड आप लोग खुद देख लिया करें। कमर जो इसकी है वो 17 है और जो हिप साइज़ है इसका वो इसका 19 है, ठीक है, 19 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 19 में से आ रहा है। और लेंथ मैं आपको बताऊँ, स्टैंडर्ड लेंथ है, फुल नीचे तक है। और ये जो फैब्रिक है, ये वाला जो फैब्रिक है वो लॉन कॉटन नहीं है, जॉर्जेट पे है। ये ग्रीन जो आप देख रहे हो ये फुल पार्टी वेयर है, जॉर्जेट पे है। और पूरा आप नीचे तक काम देख सकते हैं, कितना खूबसूरत ये लग रहा है। और फुल आपको लाइक लाइनिंग इसमें ऑलरेडी लगी हुई है, ठीक है, लाइनिंग इसमें ऑलरेडी एडेड है, सब कुछ फुल इस पर स्टिच्ड आपको मिल रहा है। और बैक साइड आप देख लें, ये देख लीजिए, ये देखिए मैंने आपको अभी ऐसे दिखा दिया, इसका ये सब सही होगा, इसमें कोई भी मतलब ये लाइनिंग नहीं आएगी जो आपको लग रहा होगा कि क्या है, ऐसा नहीं आएगा और प्रॉपर आपको मिलेगा, ठीक है। और ये आप देखें, ये हो गया हमारा बैक साइड। बैक साइड में आप ये देखिए, फुल आपको इसमें भी थोड़ा सा डिज़ाइनिंग मिलेगी, बैक साइड में भी ये स्लीव्स हो गई हैं इसकी, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ इसका जो हमने पैंट बनवाई है, एक्चुअली वो पैंट नहीं है, इस वाले जो मॉडल पिक्चर है उसमें आपको प्लाजो दिया गया है चौड़े पाइचे का, तो ये वही है, चारों तरफ इसमें इलास्टिक है। और ये कलर कॉम्बिनेशन आप देख रहे हो, ये चौड़े पाइचे का इसमें प्लाजो है, ठीक है। और मैं आपको बता देती हूँ प्लाजो की जो विड्थ है वो कितनी है, देखिए इसकी जो विड्थ है वो 10 है, ठीक है, 10 के अराउंड है, लेकिन 10 से मतलब बहुत थोड़ी सी ज़्यादा है बस, ठीक है। तो ये ऐसे आ जाएगा, ये प्लाजो हो गया इसका। और इसका ये जैकवर्ड बनारसी में दुपट्टा, ये आप देखें बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है इसका भी, बिल्कुल ऐसा नहीं कि आपको खड़ा खड़ा रहेगा, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत कंफर्टेबल है। और सेल्फ वीविंग में ये सारा काम है, ठीक है, ये आप चेक करें। पर्पल शेड में कॉम्बिनेशन में इसका दुपट्टा है। इन सब की ओपन पिक्चर्स मैं आप लोगों के लिए स्टेटस पे पोस्ट कर दूंगी। आप लोगों के पास अगर मेरी अपडेट्स नहीं आ रही हैं तो प्लीज़ मुझे एक बार मैसेज कर दीजिएगा अपना नेम एंड प्लेस, जिसकी मैं आपका नंबर सेव कर सकूं। और ये सारे जितने भी मैंने आपको चार पीसेस दिखाए हैं आज, सबके रेट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं कलर के अकॉर्डिंग लिख दूंगी, ठीक है। डार्क ग्रीन जो मैंने दिखाया वो इतने का, लाइट ग्रीन सॉरी हाँ जो दूसरा वाला डबल शेड ग्रीन है वो इतने का है, डार्क मस्टर्ड शेड इतने का, येलो इतने का, ठीक है। तो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। बाकी मेजरमेंट वगैरह सब चीज़ मैंने आपको बता दी है। सब लोग हम लोग इसी बात का ख्याल रखते हैं कि एक स्टैंडर्ड साइज़ हम लोग बनवाएं, जैसे कि आप लोगों को कोई परेशानी ना आए, ठीक है। बाकी ऑल्टर आप लोग करवा रहे हैं, सब कुछ फ्री है, ऑल्टरेशन बिल्कुल फ्री है, आप लोग करवा सकते हैं अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, इसको ऑल्टर करवा सकते हैं। इस वाले डिज़ाइन में
और जो मैंने दूसरा वाला ग्रीन दिखाया उसमें अनस्टिच्ड भी अवेलेबल है, तो आप लोगों को अगर अनस्टिच्ड परचेज करना हो तो वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल।